अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम किदी कैंपस। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर न्यू लेसन फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश प्राइमर बी बुक। आर यू रेडी? लेट्स ओपन द पेज नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपना प्रीवियस लेसन अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, होमवर्क भी किया होगा और इन वर्ड्स को लर्न भी किया होगा। आज जो हम वाउल साउंड्स पढ़ेंगे वो है यू। हम यू की साउंड सीखेंगे आज। अ, सबसे पहले यहाँ पे डेट मार्क करेंगे आप ऑन द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। उसके बाद आप कैप्शन पढ़ेंगे, रीड एंड मैच द वर्ड्स टू द करेक्ट पिक्चर्स। बिल्कुल जैसे प्रीवियस हमने होमवर्क किया है बिल्कुल वैसा ही काम है। हमने सबसे पहले ये बेल्ट पढ़नी है, इन वर्ड्स को याद करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स के साथ हमने मैचिंग करनी है। तो यू की साउंड है अ। आज जो हम सारे नए वर्ड्स सीखेंगे उनमें ये वाली साउंड यूज़ होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सन, सन, सन। ड्रम, ड्रम, ड्रम। हट, हट, हट। डक, डक, डक। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। जग, जग, जग। तो बच्चों, अब हम इन वर्ड्स को जब हमने अच्छे से इसको लर्न कर लिया, हमें खुद से पढ़ने आ गए, तो हम इसकी मैचिंग करेंगे, ठीक है। वर्ड्स को उनकी पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे। सन, फर्स्ट वर्ड इज सन। तो हम देखेंगे कि सन कौन सा है। इज इट सन? यस। मैच इट विद इट्स पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड ड्रम, ड्रम, ड्रम। तो बच्चों ये देखेंगे, ये है ड्रम। हम इसको भी इसके नेम के साथ मैच कर देंगे। हट, हट, हट। दिस इज हट। तो इसी तरह बाकी के आपने वर्ड खुद पढ़ के, तो बाकी की मैचिंग करनी है। नेक्स्ट वर्ड है डक, डक। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। जग, जग, जग। तो हमारा ये वाला पार्ट मैचिंग का कंप्लीट हो गया। हमने वर्ड्स भी लर्न कर लिए। अब हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मतलब नए अल्फाज। हम न्यू वर्ड्स में भी देखेंगे हमारी अ साउंड आ रही है। फर्स्ट वर्ड इज, पिक्चर पे आपने फिंगर नहीं रखनी बच्चों, इसके नेम के नीचे आपने फिंगर रखनी है, ठीक है। पिक्चर, अब आप बड़े हो गए हैं ना, तो पिक्चर पे फिंगर रख के नहीं पढ़ना आपने, आपने रीडिंग वर्ड्स के नीचे रख के फिंगर फिर पढ़नी है। फर्स्ट वर्ड इज बटन, बटन, बटन। ब्रश, ब्रश, ब्रश। जंप, जंप, जंप। बस, बस, बस। तो देखा बच्चों, इजी वर्ड्स हैं ना सारे, न्यू भी हैं और इजी भी हैं। आपने इस पेज को अच्छे से लर्न करना है। ये सारे वर्ड्स आपने एक पेपर पे लिखकर, मामा से लिखवा कर, तो पेपर पे भी रीडिंग करनी है, ठीक है। उसको जंबल करके लिखना है और पेपर से पढ़ के दिखाना है कि हमें विदाउट पिक्चर्स भी ये वर्ड्स पढ़ने आ गए हैं। तो अपना प्रीवियस होमवर्क भी आपने साथ साथ लर्न करना है, पिछले पेजेस को भूलना नहीं है और इस पेज की भी अच्छे से आपने रीडिंग करनी है, बुक ख़राब नहीं करनी, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।